नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आई इंडिया आपको ले चल रहा है उत्तर प्रदेश की मऊ की घोसी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर उपचुनाव होने हैं और यहां के हालातों के बारे में आपको मैं बताऊंगा दरअसल आपको बता दूं कि मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण तो माना जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है ये चुनाव इसलिए भी अहम है दरअसल यहाँ से जो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे और उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली जिसके चलते यहाँ उपचुनाव हो रहा है और उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है साथ ही ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है ओम प्रकाश राजभर जिनके द्वारा बड़े, बड़े 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 ऐलान किए जाते हैं और घोसी में ये चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी कहीं से लूज कर जाती तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए भी जो दावे थे वो खोखले बन जाएंगे इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ पूरी ताकत झोंके हुए है आज जब दारा सिंह चौहान का नामांकन हुआ तो उसमें बड़े बड़े नेता उनके नामांकन में पहुँचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर ओम प्रकाश राजभर और निरहुआ ये सारे लोग उनके जो है नामांकन में पहुंचे जिसके जरिए शक्ति प्रदर्शन किया लेकिन यहाँ पर दरअसल लड़ाई इसलिए दिलचस्प है समाज समाजवादी पार्टी से स्थानीय जो विधायक रहे दो बार उमाशंकर सिंह जिनका टिकट काट कर दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने पिछली बार लड़ाया था उन पर फिर से एक बार समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है और उन्हें प्रत्याशी बनाया है दारा सिंह चौहान और उमाशंकर सिंह दोनों दिग्गज नेता माने जाते हैं स्थानीय तौर पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमा शंकर सिंह को माना जाता है जबकि बाहरी तौर पर दारा सिंह चौहान को माना जा रहा है अब वहाँ स्थानीय और बनाम बाहरी का भी वहाँ पर जो है पेच फंसा हुआ है ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा जो है यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बन गया है साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और जो स्थिति है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारी है बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज चूंकि नामांकन होना है और कल आखिरी दिन है ऐसे में यदि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर नहीं लड़ाती है तो जो मुस्लिम मतदाता है सर्वाधिक मतदाता है और जो दलित मतदाता उसके बाद में आता है ये दोनों मतदाता किस तरफ रुख करेंगे ये बड़ा यहाँ पर जो है पसों में स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर कही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मुश्किलें हैं और समाजवादी पार्टी के लिए भी कि आखिर मुस्लिम मतदाता तो सबको पता है किधर चले जाएंगे जो दलित मतदाता है उसमें क्या बंटवारा दोनों पार्टियां करेंगी या एक जाई भारतीय जनता पार्टी ले जाने में सफल होगी ये भी देखने वाला होगा कुल मिलाकर अभी तक बहुजन समाज पार्टी की ओर से और कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है यहाँ पर सीधे तौर पर अभी मुकाबले में समाजवादी पार्टी के उमाशंकर सिंह का भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान के बीच में सीधा मुकाबला होने वाला है और यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो भी आपको बताना चाहेंगे जो हमें जानकारी फिलहाल मिली है यहाँ पर पचासी हज़ार मुस्लिम हैं जो सर्वाधिक माने जाते हैं इसके अलावा अनुसूचित जात के जो मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या सत्तर हज़ार दूसरे नंबर पर यही आते हैं यादव मतदाता पैंतालीस हज़ार हैं और जो चौहान है लुनिया जिस बिरादरी के दारा सिंह चौहान आते हैं वो पैंतालीस हज़ार हैं और इसके अलावा राजभर उनकी भी संख्या बावन हज़ार है अच्छी खासी है इसलिए यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प मानी जा रही है अट्ठारह हज़ार छत्तीस ओंट माने जा रहे हैं कुल यहाँ पर मतदाताओं की जो संख्या है वो चार लाख तीस हज़ार चार सौ बावन है अब यहाँ पर दरअसल दिक्कत ये है कि बीएसपी का न लड़ना कांग्रेस भी प्रत्याशी नहीं उतारे ऐसे में स्थानीय बनाम बाहरी का भी यहाँ पर आरोप लग रहा है क्योंकि दारा सिंह चौहान जो सात बार के पलटू नेता बन चुके हैं वो दो बार समाजवादी पार्टी में आए गए दो बार बहुजन समाज पार्टी में आए गए और दो बार भारतीय जनता पार्टी में आए गए कांग्रेस से उन्होंने शुरुआत की एक बार कांग्रेस में रहे हैं तो उनके उनको लेकर किसी को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अगली बार वो किसके साथ रहने वाले हैं दूसरी बात अभी हाल ही में उनको चुना था अखिलेश यादव ने उन पर इतना विश्वास किया था कि अपने विधायक जो शंकर सिंह थे उनका टिकट काट कर और उनको टिकट दिया था दारा सिंह चौहान को उस समय शंकर सिंह ने एक सभा भी की थी उसमें वो जमकर रोए थे उनके आंसू फूटे थे और वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को खटका था और अब एक बार फिर से उमा शंकर सिंह को मौका भी मिल गया है और उमा शंकर सिंह का बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी उनकी मौजूदगी रही है वो उनको टिकट नहीं मिला फिर भी उनका एक कार्यालय चलता रहा स्थानीय लोग कहीं ना कहीं उनसे कही मिलते रहे मिलने में सुलभ रहे और दारा सिंह चौहान जो फिर से एक बार पलटी मारकर आ गए क्या नाम भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे में यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प और कड़ा होने की संभावना जताई जा रही चूँकि बाहरी और स्थानीय तो हैं है, साथ में दारा सिंह चौहान जो सात बार पलटी मार चुके हमने आपको बताया हर दल में गए और आए हैं तो ये भी एक कही कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ पड़ सकता है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ टिकट मतलब बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कैंडिडेट ना उतरना इस पर सब कुछ निर्भर है कि ये अनुसूचित जाति के मतदाता किधर जाएंगे क्योंकि इन पर फोकस इसलिए है यहाँ पर पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो पचास हज़ार से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिले थे और यहाँ पर मुख्तार अंसारी से जो रिश्ते रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के उनका भी दखल है और वो रिश्ते भी कहीं ना कहीं खंगाले जाएंगे लेकिन क्या मुख्तार अंसारी एंड पार्टी या उनके परिवारी जन क्या वो बहुजन सम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के साथ आएंगे ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है चूँकि सभी जानते हैं उन पर हुई कार्रवाइयाँ उनके साथ जो कुछ योगी सरकार कर रही है उस आ, उसको लेकर ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से भी कि मुख्तार अंसारी का जो वोट बैंक है या जो उनके समर्थक हैं वो फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए तो फिलहाल ये घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है और यहाँ पर लोग बिल्कुल इस चुनाव को खतौली की तरह देख रहे हैं जिस जहाँ पर समीकरण बनने के बाद कही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई थी और वहाँ पर कौन जीता था ये भी सभी जानते हैं तो यहाँ पर भी हालात यही बने हुए हैं लेकिन चूँकि ये सेमीफाइनल का चुनाव है लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये उपचुनाव का नतीजा अपने हाथ से गवाना नहीं चाहेगी आज नामांकन के दौरान दारा सिंह के सभी ने देखा कि शक्ति प्रदर्शन किस कदर हुआ तो ये दर्शाता है कि छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को दमखम के साथ बड़ी ही मजबूती के साथ अपने पक्ष में बनाने के लिए हर जतन करती है हर स्तर पर जाती है और इस चुनाव में भी ऐसा देखने को मिलेगा चूँकि आज ट्रेलर दिखाई दिया है नामांकन के समय पिक्चर में क्या कुछ निकल करके आएगा ये तो फ़िलहाल समय बताएगा लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार एक तरफा नज़र नहीं आ रहा है ये उपचुनाव जो समीकरण है जो हालात हैं जो प्रत्याशी का चयन है उसमें कहीं से नहीं लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा नज़र आ रही हो टक्कर उमाशंकर सिंह इसलिए दे रहे हैं चूँकि स्थानीय हैं और दारा सिंह चौहान बाहरी हैं पलटू राम के नाम से विख्यात हैं सात दलों में आए और गए हैं दो दो बार एक एक दल में गए आए हैं तो उन पर विश्वास लोगों का बन पाएगा कि नहीं ये भी देखना होगा और इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर चूँकि 17 अगस्त तक नामांकन होना है और 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आ जाएंगे सबकी नज़रें घोसी के उपचुनाव पर लगी हुई हैं यहाँ से तय हो जाएगा कि लोकसभा के जो चुनाव परिणाम होंगे वो बहुत कुछ दिशा और दशा भी तय करेंगे देखना होगा कि ये उपचुनाव में बाजी किसके हाथ लगती है दारा सिंह चौहान विजय होती है, उनकी विजय होती है या फिर उमाशंकर सिंह की फिलहाल इस पूरे चुनाव पर हर एक गतिविधि पर आई इंडिया की नज़र रहेगी और आप बने रहिए आई इंडिया के साथ बी एस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बी एम ए बी कॉम एम बी ए व अन्य कोर्सेस के लिए आज ही संपर्क करें खैराबाद बिस्वा रोड पकरिया सीतापुर सत्र दो हजार के लिए प्रवेश प्रारंभ की नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया